तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एनएससी और बीएससी में लिस्टेड आईटी सेक्टर का एक स्टॉक लेकर के आया है आपके सामने। और ये स्टॉक मिडिल कैप सेक्टर का है और मार्केट कैप है 11,964 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 815 रुपये, हाई लगा चुका है 1,150 रुपये का, लो है 763। स्टॉक भी है 53, बुक वैल्यू 50 रुपये की। कंपनी डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है 0.57% की। ROC है 31%, ROE है 30%, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। प्रमोटर के पास 53% की होल्डिंग है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 53। एनुअल प्रॉफिट 186 करोड़ का। डेब्ट है कंपनी के पास 393 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 30%। इंडस्ट्रीज पी है 31। EPS 15 रुपये की। फ्री कैश फ्लो 155 करोड़ का है। और इस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं प्लस परसेंटेज भी 5% की है, 5.50% की होल्डिंग गिरवी रखा गया है प्रमोटर की तरफ से। अगर हम लोग प्रोस की बात करें तो प्रोस आपको अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी अच्छा रिजल्ट ला करके देगी। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 112% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर 38% का है। कंपनी मेंटेन हेल्थी डिविडेंड पे आउट 13% का, सॉरी 18% का। कंपनी 18% का हेल्थी डिविडेंड पे आउट करता है आपको। IT सॉफ्टवेयर सेक्टर का ये स्टॉक है। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो 79 करोड़ का दिसंबर वाले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, सितंबर में 83, जून में 78 और मार्च में 73। मतलब अच्छा रिजल्ट आ रहा है कंपनी के पास। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को दिसंबर में, सितंबर में 55 और जून में 53, मार्च में 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी के पास। मतलब क्वार्टरली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। और प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं तो TDM में 314 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 2022 में 246, 2021 में 190 और 2020 में 99 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ कंपनी को। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें 227 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को TDM में 2022 में 186, 2021 में 162, 2020 में 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। कंपनी डिविडेंड पे आउट की है 29% का, 26% का 2022 में, 29, 2021 में 26% का। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 साल में 63%, 5 साल में 19%, 3 साल में 21%, TTM में 34%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 24%, 5 साल में 112%, 3 साल में 76%, TTM में 35%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 साल में -29%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 15%, 5 साल में 32%, 3 साल में 39%, लास्ट ईयर 31%। अगर बैलेंस शीट चेकआउट करें कंपनी की तो कंपनी का प्रॉफिट यानी कर 393 करोड़ का और रिजर्व 709 करोड़ का। कैश फ्लो की बात करें तो 159 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो नेगेटिव -24 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 53.24% की होल्डिंग प्रमोटर के पास और FIs के पास 4.07% की होल्डिंग, DIIS के पास 1.32% की होल्डिंग है। DIIS ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है और FIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है दिसंबर वाले क्वार्टर में। पब्लिक के पास 38.74% की होल्डिंग है। तो सो स्टॉक का नाम बताने से पहले बता दें, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक का है एंजल वन का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस स्टॉक का नाम है हैपीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो आपको पता ही होगा नेक्स्ट जनरेशन IT सॉल्यूशन एंड सर्विस कंपनी। अगर हम इनकी चार्ट पैटर्न देखें तो ये स्टॉक लगातार भागता ही रहा, भागता रहा। कहाँ से 1 सितंबर 2020 में इनका IPO आया था 357 और 336 के प्राइस में। अगर हम लोग इसका परसेंटेज देखें तो कुछ टाइम तक ये लगातार गिरने पे था, ठीक है, गिरा।
भागा कहाँ तक, इस स्टॉक ने 1500 का हाई लगाया, यानी 363% का हाई लगा करके ये स्टॉक हाई लगाया, ठीक है। तो इस स्टॉक ने बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दिया लोगों को, 300-400 के रिटर्न कंपनी ने बनाई। 2020 सितंबर में आईपीओ आया, 2021 जुलाई, यानी 1 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छा रिटर्न, 300-400% का रिटर्न बनाया कंपनी ने। आज इस स्टॉक का स्टॉक पी देखोगे तो स्टॉक पी देखेंगे 53.57% की होल्डिंग है, 53.57% स्टॉक पी है और इंडस्ट्रीज भी 31 है। तो इस स्टॉक का भी गिरने का दो रीजन है। पहला कि इस स्टॉक ने कम समय के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, जब अच्छा प्रॉफिट बनाया, लोगों को पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट दिखा, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, बुक करना स्टार्ट किए। और दूसरा रीजन ये था कि इस स्टॉक का स्टॉक पी बहुत हाई हो गया था, 52, अभी करंट टाइम में 52 है, अभी भी हो सकता है ये स्टॉक नीचे आए, ठीक है, हो सकता है अभी भी ये नीचे आए, या आस्ते आस्ते एक रेंज में आएगा नीचे, स्लोली स्लोली नीचे आते आते एक रेंज में आएगा। जब स्टॉक भी मीडियम हो जाएगा उसके बाद फिर से ये स्टॉक भागना स्टार्ट करेगा। इंडस्ट्रीज पी है 33, 32-33 है, तो इन दोनों को ये करना होता है, ठीक है। वैल्यूएशन अभी इसका हाई है, अभी इसे और लो में आना चाहिए था। तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, और आप इस स्टॉक को अपने नज़रों में बना करके रख सकते हैं, 51% का करेक्शन हो चुका है स्टॉक के अंदर, और इस प्राइस में डेफिनेटली आप एंट्री बना सकते हैं। और ये स्टॉक और कहाँ तक गिर सकता है, तो यहाँ ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ ले रहा है, ठीक है। अभी ये इस स्टॉक का करंट टाइम अभी ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। हो सकता है अगर इस स्टॉक के नीचे ब्रेकआउट करे तो फिर ये स्टॉक यहाँ आकर के सपोर्ट ले सकते हैं 711 रुपये के प्राइस में, और स्टॉक भी थोड़ा सा और अंडर वैल्यू होगा, उसके बाद ये स्टॉक भागना खतरनाक स्टार्ट करेगा और बिल्कुल अपने ब्रेकआउट के करीब है। देख सकते हो आप ट्रेंगल ट्रेंगल पैटर्न में फॉर्मेट में ये चार्ट आगे की तरफ बढ़ता हुआ है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा स्टॉक, इसमें बहुत अच्छा भूचाल आएगा, सुनामी आएगी, बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। तो इस इशू को यहाँ कहीं बाई करके चल सकते हैं, या फिर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। जब ये स्टॉक आपको इस प्राइस में मिले 754 के प्राइस में, तब डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया ना कि बाई और सेल करने के लिए, अगर आपको एंट्री करनी है तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं।